हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घर पे सुरक्षित होंगे। माय नेम इज़ सोहेल मंसूरी एंड आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है फिनोल। फिनोल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और मान के चलो फिनोल से कभी ना कभी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ऐसा नहीं है कि फिनोल से क्वेश्चन नहीं बनते। और इस फिनोल वाले चैप्टर में हम ये रहेगा, हमारा जो मकसद रहेगा वो ये रहेगा कि अपन इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा दो लेक्चर में फिनिश कर दें, क्योंकि अपने को लेक्चर को लेंदी बनाना है, अच्छा लेक्चर बनाना है और एक एक बात आप लोगों को सिखानी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों फिनोल के बारे में। दोस्तों, फिनोल क्या होता है आप सब लोग जानते हो कि अगर बेंजीन के ऊपर एक OH लगा हुआ रहता है, बेंजीन पे अगर तुम्हें एक OH मिल जाए लगा हुआ, तो इसको आप क्या बोलोगे? फिनोल बोलोगे। और फिनोल जो चैप्टर है एकदम इजी चैप्टर है, समझने की आप लोग कोशिश करना। सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। साथियों, चैप्टर का नाम क्या है? फिनोल। आप सब लोग डाल दीजिए हेडिंग फिनोल। और लेक्चर देखने से पहले मैं आप ये चाहूँगा कि आप लोग लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिए और जो बातें लिखने को कहा जाए वो लिखिए और जो बातें आपको समझनी है उनको ध्यान से आप समझना क्या कहानी फिनोल की बनती है। ओके, चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिनोल देखा जाए ना 12th केमिस्ट्री का एक प्यारा सा चैप्टर होता है और एल्कोहल, फिनोल और ईथर तीनों का कॉम्बिनेशन एक यूनिट है। फिनोल बेसिकली क्या होता है कि अगर हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन के स्थान पर OH लगा दें तो बनने वाले यौगिक क्या कहलाते? फिनोल कहलाते। फॉर एग्जांपल, मान के चलो कि ये हमारा कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। साथियों, दिस वन इज माय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, ये अपना क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन है। आपको पता है यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, करेक्ट। और मैंने क्या कहा कि हाइड्रोजन के स्थान पर, मतलब H को हटा दूं और क्या लगा दूं? OH लगा दूं। येलो, मैंने H को हटा दिया और क्या लगा दिया साथियों? OH लगा दिया। तो ये जो स्पीसीज बनती है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो छोटी सी डेफिनेशन क्या बनेगी, अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटाकर OH तुम लगा दोगे तो बनने वाला जो यौगिक है वो क्या कहलाएगा? फिनोल कहलाएगा। साथियों, इसको आप लोग बोलते हो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दिस वन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एरोमेटिक क्या चीज होती है वो भी बातें आप लोग पहले से जानते हो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसको कहा जाता है फिनोल। दोस्तों, ये आपने क्या बना दिया? फिनोल बना दिया। तो बेसिकली आप लोग क्या बोलोगे? फिनोल बेंजीन पर एक OH लगा हुआ होता है, उसको फिनोल कहा जाता है। साथियों, अब हम बात करेंगे कि फिनोल के अंदर हमें क्या क्या डील करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फिनोल का नामकरण क्या होता है, नोमनक्लेचर कैसे दिया जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे फिनोल बनाने की विधियां, फिर हम बात करेंगे फिनोल के भौतिक गुणधर्म, फिर हम बात करेंगे फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो फिनोल का नामकरण करने वाले। दोस्तों, क्या करने वाले हैं? फिनोल का नामकरण करने वाले हैं। नामकरण को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? नोमनक्लेचर कहा जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों मीडियम वाले विद्यार्थी इसको देख सकते हैं भाई, नोमनक्लेचर। ओके, अब देखो भाई, हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक अलग नाम होता है। तो फिनोल की क्या कहानी बनती है हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कुछ देर के अंदर। दोस्तों, फिनोल का IUPAC नेम फिनोल ही होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई, फिनोल का IUPAC जो नेम होता है वो फिनोल ही होता है। तो जरा आप समझने की कोशिश करना, अगर मैं IUPAC की बात करता हूं तो IUPAC ने फिनोल का क्या नाम रखा? IUPAC ने फिनोल का नाम क्या रखा? फिनोल ही इसका नाम रखा। बात समझ में आ रही है? अब मान के चलो हमारे पास में इस बेंजीन रिंग जो बनी हुई है, यहां पर जो ये बेंजीन रिंग बनी हुई है, यहां पे OH की जगह पर एक तो OH नजर आ जाए या कुछ और भी ग्रुप आपको नजर आ सकते हैं। लेट सपोज, मान के चलो यहां मैं लिखता हूं कुछ मॉलिक्यूल्स, जैसे यहां लिखा दोस्तों मैंने संरचना सूत्र। यहां क्या लिखा मैंने? संरचना सूत्र। किसका? जो हमारा कंपाउंड आपको देगा। उसके अलावा यहां लिखता हूं दोस्तों सामान्य नाम, और यहां क्या लिखूंगा इसके अलावा मैं? IUPAC नाम, कॉमन नेम बोल सकते हो आप लोग, कॉमन नेम। इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों के लिए कॉमन लेक्चर है भाई ये। और यहां लिखा मैं IUPAC नेम, सही है IUPAC नेम।
और यहाँ पे इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। मान के चलो आपको ये OH नजर आ जाए, अगर आपको बेंजीन पे OH नजर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है आप लोगों को एक OH के अलावा पास वाली कंडीशन पर भी एक OH नजर आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक OH यहां पर आ जाए और इसकी अगली वाली पोजीशन पे क्या लिखा मिल जाए आपको, OH लिखा मिल जाए। एक बारी मैं चेक कर लेता हूं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, यस आपको नीचे वाला नहीं दिख रहा, सही है। तो अपन क्या करते हैं ना कि ऊपर वाले एग्जांपल की बात करते हैं ना, इन दो एग्जांपल की बात करते हैं, सही है। अब देखो आप लोगों ने ये दो स्ट्रक्चर बना ली है, एक काम करता हूं भाई, आप लोग इनके बारे में जानती हो ना कि फिनोल क्या कहानी बनती है, आप उतार सकते हो। इसके नोमेनक्लेचर के लिए मैं पूरा एक बोर्ड पे पूरा अच्छा सा डायग्राम बनाता हूं, सही है, या अच्छी से एक टेबल को ड्रॉ करता हूं ताकि एक ही साथ आपको सारी बात समझ में आ जाए। देखिए मान के चलो दोस्तों यहां पे आपने लिखा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यहां पे क्या लिखा स्ट्रक्चर लिखी, जो भी आपको कंपाउंड देगा उसकी आपने क्या बना दी, स्ट्रक्चर बना दी। थोड़ा नीचे लिख देते हैं अपन इसको स्ट्रक्चर, और यहां पे आपने क्या लिखा दोस्तों कॉमन नेम कि इसका सामान्य नाम क्या होगा, ओके। और यहां पे आपने क्या लिखा आयुपेक नेम कि इसका आयुपेक नाम क्या होगा, ओके। चलो भाई सबसे पहले मैं बनाता हूं फिनोल, देखो मैंने क्या बना दिया फिनोल बना दिया, और उसके अलावा दोस्तों फिर मैं अगली जो स्ट्रक्चर बनाऊंगा वो कुछ इस प्रकार की बनाऊंगा जी, ये लो देखना एक बारी, ये लो यहां पे OH लगा दिया। उसकी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बनाने वाला हूं वो कुछ इस प्रकार की बनेगी, ये लो मैंने इसकी पैरा पे OH लगा दिया। हो सकता है मैं अगली स्ट्रक्चर ये बना दूं कि OH को हटा के उसके स्थान पे CH3 लगा दूं, बिल्कुल कुछ भी बना सकते हो आप लोग। हो सकता है अब मैं इस CH3 की पोजीशन चेंज करके कहीं और ले जाऊं, इसको यहां पे ले जाऊं, और लास्ट वाली स्ट्रक्चर जो मैंने बनाई वो क्या ये स्ट्रक्चर बनेगी क्या। अब एक बार मैं चाहूंगा कि तुम सब लोग इसका आयुपेक और कॉमन नेम बताओ, फटाफट आप सब लोग इसका आयुपेक नेम और कॉमन नेम बताने की कोशिश करें कि इसका नाम क्या होने वाला है, ओके। इसका नाम क्या होने वाला है मैं चेक कर लेता हूं एक बार फिर से, चलो लास्ट वाला जो एग्जांपल है वो आपको नहीं दिख रहा तो इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं ना, कि मान के चलो ये CH3 कहां पे लगा हुआ है, ये CH3 लगा हुआ है इस वाली पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, ओके। सबसे पहले अपन कॉमन नेम की बात करते हैं, चलो बताओ क्या किसका कॉमन नेम क्या होता है, आप लोग पहले से जानते होंगे तो और अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता तो टेंशन वाली बात ही नहीं, यहाँ पे एक एक बात आपको सिखाई जाएगी। इसका कॉमन नेम क्या होता है फिनोल, दोस्तों क्या होगा फिनोल इसका कॉमन नेम होता है, ओके। चलो अगर मैं इसका कॉमन नेम की बात करूं तो इसको कहा जाता है केटेकोल, क्या कहा जाता है बेटा जी केटेकोल इसका कॉमन नेम होता है। अगर OH एक दूसरे की 1-2 पोजीशन पर आ जाए, बेंजीन में अगर OH एक दूसरे की 1-2 पोजीशन पर आते हैं तो इसे केटेकोल कहा जाता है, और अगर OH बेंजीन में एक दूसरे की 1-3 पर आ जाए, देखो 3 तो लिखना अपन भूल गए, एक दूसरे की 1-3 पर आ जाए, 1-3 पर आ जाए, या हो सकता है एक दूसरे की 1-4 पर आ जाए, एक एक बात पर दे, अगर एक दूसरे की 1-3 पर आएंगे 1-2-3 इसको कहा जाएगा रिसोर्सिनोल, क्या कहा जाएगा बेटा जी रिसोर्सिनोल कहा जाएगा, रिसोर्सिनोल कहा जाएगा, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। और अगर मान के चलो ये OH एक दूसरे की 1-4 पोजीशन पर चले जाए तो बनने वाला जो कंपाउंड है ना दोस्तों इसका नाम हो जाएगा क्विनोल, दोस्तों क्या नाम हो जाएगा क्विनोल इसका नाम हो जाएगा, आपको बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, अगर मान के चलो ये OH है और इसके पास में अगर ये जो मैं लगा रहा हूं एक साथ यहां पे टेढ़ा करके CH3 बना दिया, इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये ऑर्थो पे लगा हो तो इसका नाम ऑर्थो क्रिसोल हो जाएगा, और अगर ये मेटा पे लगा हो इसका नाम मेटा क्रिसोल हो जाएगा, और अगर ये पेरा पे लगा हो उसका नाम क्या हो जाएगा पेरा क्रिसोल। तो एक तरीके से आप लोग क्या बोल सकते हो इसका नाम क्या हो जाएगा क्रिसोल इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा क्रिसोल इसका नाम हो जाएगा, क्रिसोल इसका नाम हो जाएगा, सही है। चलो ये लो
मैंने क्या बना दिया इसको, क्रिसोल बना दिया। अगर ये मिथाइल ग्रुप सेकंड नंबर पे लगा हो तो इसको बोलेंगे ऑर्थो क्रिसोल, अगर थर्ड नंबर पे लगा हो तो बोलेंगे मेटा क्रिसोल, और फोर नंबर पे लगा हो तो बोलेंगे पेरा क्रिसोल। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? अगर मैं इसके आयुपेक नेम की बात करता हूँ साथियों, आयुपेक नेम में क्या कहेंगे, फिनोल का आयुपेक नेम दोस्तों फिनोल ही होता है। फिनोल का आयुपेक नेम क्या होता है, फिनोल ही होता है। इसके आयुपेक नेम की अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे बेंजीन 1,2 डाइओल। क्या बोलेंगे दोस्तों, बेंजीन 1,2 डाइओल इसका आयुपेक नेम होता है, सही है। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या कहोगे इसका नाम, बेंजीन, बेंजीन 1,3 डाइओल, बेंजीन 1,3 डाइओल इसका नाम हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन, बेंजीन 1,4 डाइओल इसका नाम हो जाएगा। और अगर मैं इसके नाम की बात करता हूं तो जैसे कि ऑर्थो पे प्रेजेंट है तो क्या बनेगा, 2 मेथिल फिनोल दोस्तों, क्या नाम बन जाएगा, 2 मेथिल फिनोल इसका नाम हो जाएगा। और अगर मेटा पे प्रेजेंट है तो क्या बोल दोगे, 3 मेथिल फिनोल, सही है। और अगर पेरा पे प्रेजेंट है तो आप लोग क्या बोलोगे, 4 मेथिल फिनोल। ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई क्या भाई, ये बात छोटी है लेकिन बड़े काम की बात होती है कि भाई फिनोल का आयुपेक नाम क्या होता है, कॉमन नेम क्या होता है। और अगर फिनोल में मैं OH एक दूसरे की 1,2 पर लगाता हूँ उसका नाम तब क्या रखेंगे, 1,3 पर लगाऊँ तब क्या नाम रखेंगे, 1,4 पे लगाऊँ तब उसका हम नाम क्या रखेंगे, ये सारी बातें अपने को पता होनी चाहिए। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं और नाम कैसे कैसे हम लोग दे सकते हैं, करेक्ट। अब देखो ये सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, अब हम बात ये करेंगे कि फिनोल को बनाते कैसे कैसे, क्योंकि एक बात बताओ जब तक आप लोग फिनोल नहीं बना पाओगे तब तक सारा काम गड़बड़ है। तो अपन क्या करेंगे, फिनोल बनाने की वीडियो को डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहूंगा प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से नोटबुक में इसको ड्रॉ कर दीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको मेरी बात भी समझ में आ गई होगी, सही है। अब हम बात करेंगे साथियों, अब किसकी बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं बनाने की विधियां, किसकी बात करेंगे साथियों, बनाने की विधियों की बात करेंगे। ये लो मैं यहां लिखता हूं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, मेथड, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। यहां से कहानी इंपॉर्टेंट बनती चली जाती है साथियों, एक एक रिएक्शन को अपन ध्यान से समझेंगे। फटाफट आप लोग डाल दीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, जल्दी से आप लोग डाल दीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, जल्दी से आप लोग बना दीजिए। आई होप आप लोगों ने बना दिया होगा। चलो स्टार्ट करें। देखो फिनोल को हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं और वो तरीके क्या होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि लैब में फिनोल कैसे बनता है, प्रैक्टिकल लैब में हम फिनोल को कैसे बना सकते हैं, जरा आप ध्यान दीजिए दोस्तों। पहली जो मैं बात करूंगा वो प्रयोगशाला विधि की बात करूंगा कि लैब में हम लोग कैसे बनाते हैं, सही है। तो पहला जो मेथड होता है वो होता है बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट से। तो कैसे बनाएंगे भाई, फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट, फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट, कि भाई बेंजीन डाई एजोनियम लवण से तुम कैसे फिनोल बनाओगे, ये वाली बात इंपॉर्टेंट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना चाहिए साथियों कि बेंजीन डाई एजोनियम लवण होता क्या है, सही है। तुम लोगों ने पढ़ा है छोटी क्लासों के अंदर, या मैं तुमको शुरू से बताता चलता हूं कि बेंजीन डाई एजोनियम लवण बनता कैसे। साथियों होता क्या है कि जब हम लोग एनिलीन की अभिक्रिया, दोस्तों इसको कहा जाता है एनिलीन, अगर बेंजीन में एक NH2 लगा होता है इसको क्या कहा जाता है, एनिलीन कहा जाता है, ये लिख दिया मैंने एनिलीन, करेक्ट। अगर मैं एनिलीन की अभिक्रिया साथियों करवा दूं NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl के साथ में करवा दूं और टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस इस्तेमाल किया जाता है, करेक्ट। तो यहां से बनता है बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट N2 प्लस और ये बन गया Cl माइनस, इसको कहा जाता है बेंजीन डाई एजोनियम लवण, दिस वन इज बेंजीन डाई एजोनियम लवण, बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट।
अब भाई जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल परेशान मत हो, इस बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट को हिंदी में यही कहा जाता है, बस खाली सोल्ट को अपन क्या बोलते हैं साथियों, लवण बोलते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? अब इस बेंजीन डाई एजोनियम लवण को हम बॉयल करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, बॉयल करेंगे, किसके साथ, बॉयल विद वॉटर, पानी के साथ इसको उबालेंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? जब बेंजीन डाई एजोनियम लवण को पानी के साथ उबाला जाता है साथियों, पानी में क्या प्रेजेंट होता है, एक तो H प्रेजेंट होता है और एक OH प्रेजेंट होता है, तो यहां से तुम HCl को बाहर निकाल सकते हो और N2 गैस बाहर निकल जाएगी और OH आके इस पे जुड़ जाएगा। ये अपना एक तरीका होता है। आपको बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, जल्दी से बता दो आप लोग। तो आपने क्या करा कि यहां से क्या बना दिया, ये फिनोल बना दिया और तुमने N2 गैस बाहर निकाल दी और HCl को तुमने बाहर निकाल, यहां से HCl बाहर निकल गया, N2 गैस बाहर निकल गई, OH इस पे आके जुड़ गया। तो पहली बात क्या बनी कि जब बेंजीन डाई एजोनियम लवण को पानी के साथ में उबाला जाता है तो क्या बनता है, फिनोल की फॉर्मेशन होती है। ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, फिनोल बन गया। ये पहली प्रिपरेशन होती है। आपको मेरी बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी साथियों? आसान रिएक्शन है। बेंजीन डाई एजोनियम लवण को जब पानी के साथ में तुम उबालोगे तो क्या बन जाएगा साथियों, फिनोल बन जाएगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे साथियों समझ में आएगा, और अगर इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज पहली रिएक्शन को आप नोट कर सकते हो, जल्दी से आप लोग नोट कर सकते हो। और अगर मैं सेकेंड रिएक्शन की बात करता हूं, लगे हाथ में बात करता हूं, फ्रोम हेलो एरिन, या बोल दू फ्रोम क्लोरोबेंजीन, फ्रोम क्लोरोबेंजीन की, भाई क्लोरोबेंजीन से फिनोल कैसे बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन से फिनोल कैसे हम बनाते हैं, इसको जरा समझने की कोशिश करना साथियों। मान के चलो ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, ये रहा क्लोरोबेंजीन, चलो अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH के साथ में करवाते हैं और जो टेम्परेचर होता है वो 623 केल्विन टेम्परेचर और लगभग 308 एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, तो पहले यहां बनेगा फिनोक्साइड आयन, क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। और जैसे ही सोडियम फिनोक्साइड बना, इसका मैं क्या करा दिया, एसिडिफिकेशन करवा दिया, HCl के साथ में अभिक्रिया करवा दी। और जैसे ही HCl के साथ तुम अभिक्रिया कराओगे OH बन जाएगा, मतलब फिनोल आपका बन जाएगा और यहां से बाहर कौन निकल जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो आप लोगों ने क्या देखा, ये क्या आपका क्लोरोबेंजीन है साथियों, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। अगर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन तुम NaOH के साथ में कराए तो पहले तो क्या बना, सोडियम फिनोक्साइड बना, हिंदी में भी इसको यही कहेंगे, सोडियम फिनोक्साइड बना। और सोडियम फिनोक्साइड का मैंने क्या करवा दिया, अम्लीकरण HCl के साथ में अभिक्रिया करवा दी, तो क्या बन गया, फिनोल बन गया। ये सेकेंड रिएक्शन होते फिनोल बनाने की। पहला हमने किससे बनाया, बेंजीन डाई एजोनियम लवण को पानी में उबाल दिया। सेकंड हमने किससे बनाई, क्लोरोबेंजीन की NaOH के साथ अभिक्रिया करवाई, तो पहले सोडियम फिनोक्साइड बनता है और उसका एसिडिफिकेशन करवाने पे किसका निर्माण होता है साथियों, फिनोल का निर्माण होता है। चलो अगली रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं, ओके अगली रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं। एक बार ये दो रिएक्शन को आप लोग नोट कर लीजिए, मैं तब तक पानी पी लेता हूं भाई, आराम से, छोटी छोटी रिएक्शन है, आपको सारी बात समझ में आ रही होगी भाई, आराम से बना लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जल्दी से बना लो आप लोग ना। ओके चलो अगली रिएक्शन जो है ना दोस्तों वो है सेलिसिलिक अम्ल से, सेलिसिलिक एसिड, चलो हिंदी में लिख देता हूं आप लोग, अगर हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हो, सेलिसिलिक अम्ल से फिनोल का निर्माण। ओके चलो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि सेलिसिलिक अम्ल क्या होता है ना, सवाल क्या होता है, सेलिसिलिक अम्ल क्या होता है दोस्तों, इसको कहा जाता है सेलिसिलिक अम्ल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, इसका नाम क्या होता है बेटा जी, सेलिसिलिक अम्ल इसका नाम होता है। और जब सेलिसिलिक अम्ल की रिएक्शन सोडा लाइम से करवाते हैं, किससे करवाएंगे दोस्तों, सोडा लाइम के साथ करवाएंगे। ये सवाल चैट ने पूछ रखा है कि सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH
प्लस सी ए ओ के मिश्रण को क्या कहा जाता है? सोडा लाइम कहा जाता है। और सोडा लाइम का काम क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेशन। क्या काम होता है बेटा जी? डी कार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब CO2 को बाहर निकालने का काम होता है। जैसे यहां CO2 बाहर निकलेगा, पहले तो यहां बनता है फिनोक्साइड। क्या बनेगा साथियों? सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। और उसके बाद में हम क्या करवा देंगे? अम्लीकरण करवा देंगे दोस्तों। क्या करवा देंगे? अम्लीकरण करवा देंगे। और क्या बन जाएगा? फिनोल बन जाएगा। तो पता क्या लगा? अगर हम लोग सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाए तो CO2 मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट होता है, क्योंकि सोडा लाइम का जो काम होता है वो CO2 को बाहर निकालना होता है। जैसे ही तुमने यहां CO2 बाहर निकाली, साथ में यहां क्या बनेगा? सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। और ये सोडियम फिनोक्साइड क्या करेगा? अम्लीकरण के पश्चात फिनोल का निर्माण करेगा। ये तीन अभिक्रिया जो है, फटाफट नोट कर लीजिए। अगली रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं, और अगली रिएक्शन महत्वपूर्ण बनने वाली। मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे भाई क्लास के अंदर, तो डेंगू नहीं हो जाए कहीं पर साला। अब आराम से बना लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगली रिएक्शन बड़े कमाल की रिएक्शन है, जरा समझने की कोशिश करना भाई। देखो जेट में सवाल क्या पूछा, पहले वो लिखते हम क्वेश्चन। जेट एग्जाम मेन फोकस हमारा जेट एग्जाम का है साथियों। जेट एग्जाम का क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान देना बेटा जी। अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज जरूर आप लेक्चर को शेयर करिए। जेट एग्जाम में सवाल बना क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बना कि सोडा लाइम निम्न में से कौन है? सोडा लाइम निम्न में से कौन है दोस्तों? सोडा लाइम क्या होता है? NaOH प्लस CaO के मिश्रण को सोडा लाइम कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है? CO2 को बाहर निकालना। क्या काम होता है बेटा जी? CO2 को बाहर निकालना इसका काम होता है। ये रहा सोडा लाइम, सही है। दो, एक, दो, तीन रिएक्शन हो चुकी है। चौथी रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं, क्या कहानी बनती है जरा आप लोग ध्यान दीजिए कि उद्योगों में आप कैसे बना सकते हो, इंडस्ट्रीज में आप लोग फिनोल को कैसे बना सकते हो, है ना। एक एक रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे। देखो सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि आप दिवाली की जो छुट्टियां है वो खराब कर दो। आराम से एक एक बात अपन समझेंगे। अब हम बात करेंगे औद्योगिक स्तर पर हम फिनोल को कैसे बनाते हैं, सही है। चलो देखो, हम बनाते हैं बेंजीन के ऑक्सीडेशन से। किससे बनाएंगे दोस्तों? बेंजीन के ऑक्सीडेशन से, बेंजीन के ऑक्सीकरण से। मतलब जब तुम बेंजीन का क्या कर दोगे साथियों? ऑक्सीकरण कर दोगे तो भी क्या बन जाएगा? फिनोल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा सर? आप ध्यान से समझना बेटा जी। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? बेंजीन कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? अगर मैं बेंजीन का ऑक्सीडेशन कर दूं वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में लगभग 583 केल्विन ताप पर इसका मैं क्या कर दूं दोस्तों? ऑक्सीडेशन कर दूं तो क्या बन जाएगा? फिनोल बन जाएगा। ये ओ कहां से आया? ओ आया ऑक्सीडेशन से दोस्तों। कहां से आया? ऑक्सीडेशन से। इट मींस तुम यहां पे लिख सकते हो हाफ ओ टू। क्या लिख सकते हो बेटा जी? हाफ ओ टू, क्योंकि एक ही ओ काम में आने वाली है। इसको आप क्या कह दिए? बेंजीन कह दिए। और बेंजीन का तुमने क्या करवा दिया? ऑक्सीडेशन करवा दिया। और क्या बन गया साथियों? फिनोल बन गया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अभिकर्मक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। तो आप लोगों ने क्या बोला? उद्योगों में हम कैसे बना सकते हैं? बेंजीन का जब तुम ऑक्सीडेशन वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड के साथ अप्रोक्सीमेट 583 केल्विन टेम्परेचर पर करवाते हैं तो फिनोल का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगली अभिक्रिया की मैं बात करता हूं, क्यूमीन से। किससे बनाएंगे दोस्तों? क्यूमीन से। क्यूमीन से फिनोल का निर्माण किससे बनाएंगे साथियों? क्यूमीन से फिनोल बनाएंगे। और क्यूमीन से फिनोल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा जरा तुम ध्यान देना बेटा जी। अगर मैं क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करवा दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूमीन क्या होती है जरा आप समझने की कोशिश करना। इसको कहा जाता है क्यूमीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन को कहा जाता है क्यूमीन। ये आइसोप्रोपिल ग्रुप हो गया और यहां पर क्या लग गया साथियों? बेंजीन लग गया। इसका नाम क्या होता है जी? क्यूमीन नाम होता है, येलो। और क्या बोल सकते हो? आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन को ही क्या बोलते हो? क्यूमीन बोलते हो। आइसोप्रोपिल बेंजीन, येलो जी, आइसोप्रोपिल बेंजीन।
अच्छी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। जब मैं इसका ऑक्सीडेशन करवा दूं तो यहां से बनता है क्यूमीन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, कैसे इस कार्बन और इस एच के बीच में ये दो ऑक्सीजन जाके फिट हो जाएंगे, और जैसे ही फिट हो गए तो उसको तुम क्या कहोगे, क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या कहोगे साथियों, क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये क्या बन गया, क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया, येलो जी, क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड येलो। इतना सा काम आपने कर दिया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। मच्छर खा रहे इतने सारे, कहां से इतने मच्छर आ गए भाई। ओके, अब होता क्या है, आगे मैं क्या करवाता हूं, इसकी रिएक्शन H+ के साथ में करवाऊंगा। जैसे ही H+ के साथ में तुम रिएक्शन करवाओगे ना, तो यहां पर फिनोल बन जाएगा और एसीटोन का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। एक तो क्या बन जाएगा साथियों, फिनोल बन जाएगा और बाहर कौन निकलेगा, एसीटोन बाहर निकलेगा, एसीटोन बाहर निकलेगा। यह सवाल इंपॉर्टेंट है भैया जी, कि क्यूमीन से जब तुम फिनोल बनाते हो, सह उत्पाद के रूप में क्या बाहर निकलता है, एसीटोन बाहर निकलता है। अब यह कैसे बना होगा साथियों, यह कुछ इस तरीके से बना होगा ना यार, कि मान के चलो यहां से ये वाला हिस्सा बाहर चला गया और ये OH यहां पे आके फिट हो गया। तो आप लोगों ने क्या देखा, बेंजीन के ऑक्सीडेशन से फिनोल बना लिया, आपने क्या देखा, क्यूमीन से क्या बना लिया, फिनोल बना लिया। ये दो रिएक्शन कमाल इंपॉर्टेंट है, फटाफट आप लोग इसको नोट कर लीजिए भाई, जल्दी से इनको नोट कर लीजिए। मच्छरों की तादाद बहुत ज्यादा हो रखी है क्लास के अंदर, कल इनका इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा इलाज कर देंगे। ओके चलो हम बात करते हैं आगे रिएक्शन, दो रिएक्शन और है, बड़े काम की रिएक्शन है, मान के चलो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करते हैं ना। चलो भाई, अब हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे उसका नाम है राशिंग प्रक्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नाम है दोस्तों, राशिंग प्रक्रम, राशिंग प्रक्रम डाल दो सब लोग हेडिंग, राशिंग प्रक्रम। ओह माय गॉड, ओके चलो हम बात करते हैं राशिंग प्रक्रम की। एक तो राशिंग प्रक्रम है और एक डाउ प्रक्रम है, राशिंग प्रोसेस। अच्छी रिएक्शन है, एग्जाम में पूछ सकती है एज इट इज। देखो सबसे पहले क्या होता है कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि हम बेंजीन की अभिक्रिया HCl के साथ में और एसिड बेंजीन की अभी अगर हम करवाएंगे, बेसिकली HCl के साथ में कराएंगे और हाफ O2 की प्रेजेंस में कराएंगे, तो यहां पे H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने के बाद क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। कैसे होता है सारा समझने की आप लोग कोशिश करना, कि मान के चलो राशिंग प्रक्रम में क्या होता है कि अगर बेंजीन की अभिक्रिया तुम HCl के साथ में कराओगे और हाफ O2 के साथ में कराओगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रिएक्शंस होती है ना बेटा जी, यहां पे एक हाइड्रोजन बना हुआ है, ये हाइड्रोजन ये एक ऑक्सीजन मिलके क्या बाहर निकाल लेंगे, H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देंगे, और ये जो रिएक्शन होती है ये FeCl3 की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में बेटा जी, FeCl3 की प्रेजेंस में होती है, और आप बोल सकते हो Cu2Cl2 की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन हो जाती है, और जो तापमान होता है लगभग 583 केल्विन के आसपास में होता है, और यहां पे क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनेगा साथियों, क्लोरोबेंजीन बनेगा। अब जो तुमने क्लोरोबेंजीन बनाया, इस क्लोरोबेंजीन की आगे रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आगे हम लोग करवाते हैं। जब तुम इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आगे वाटर के साथ में करवा दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ SiO2 और 723 केल्विन तापमान, तो यहां से H और यहां से Cl बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा दोस्तों, फिनोल हमारा प्राप्त हो जाएगा, और क्या बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा। येलो देखो भाई क्या कहानी बनी,
तो राशिंग प्रक्रम में क्या होता है साथियों, राशिंग प्रक्रम में जब बेंजीन की अभिक्रिया HCl और O2 के साथ में CU2, Cl2 या FeCl3 की प्रेजेंस में करवाई जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोबेंजीन बनता है, और क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया SiO2 की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो फिनोल का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, राशिंग प्रक्रम कहा जाता है, सही है। इसके बाद में एक और एक आता है डाउ प्रक्रम। दोस्तों क्या होता है डाउ प्रक्रम, डाउ प्रक्रम की कहानी क्या होती है जरा आप ध्यान दीजिए बेटा जी। डाउ प्रक्रम में क्या होता है, क्लोरो राशिंग प्रक्रम से प्राप्त क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम अगर NaOH के साथ में करवा देते हैं, राशिंग प्रक्रम से प्राप्त क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अगर हम लोग NaOH के साथ में करवा देते हैं CuCl2 की प्रेजेंस में लगभग 623 केल्विन तापमान पर, तो NaCl बाहर निकलेगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, फिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या बनेगा दोस्तों, फिनोल हमारा बन जाएगा। तो पता क्या लगा, हम लोगों ने फिनोल बनाने की विधियों को कंप्लीटली कवर कर लिया है। और यहाँ पे एक 300 ATM दाब भी होता है, 300 ATM दाब भी होता है। तो पता क्या लगा, अगर हम लोग राशिंग प्रक्रम से प्राप्त क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH के साथ में करवाते हैं और CuCl2 की प्रेजेंस में, ये टेम्परेचर जो है आपको याद रखना पड़ेगा, तो फिनोल का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउ प्रक्रम बोलते हैं दोस्तों। ये हमारी होती है फिनोल बनाने की विधियां। इसके बाद हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिनोल के भौतिक गुणधर्म और फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाओं को कवर करेंगे। सो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लेक्चर को जितना हो सके शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।